सब गाइस स्वागत है आप लोग की और एक नई वीडियो पे। तो गाइस आज की इस वीडियो पे मैं टेस्ट करने वाला हूँ फीफा 15 गेम इन माय लो एंड लैपटॉप जो i3 8 जनरेशन और इंटेल UHD 620 बेस्ड एक लैपटॉप है। हम इसमें टेस्ट करेंगे फीफा 15 और देखेंगे कितने एफपीएस आता है इन फीफा 15। और गाइस अगर आपको भी मेरे जैसे सिमिलर स्पेक्स है तो कितने एफपीएस आएगा आप आगे वीडियो में देख सकते हो। और अगर आपका मुझसे थोड़ा बेटर या लो स्पेसिफिकेशन मतलब इसे आप कमेंट कर सकते हो, आपका स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को कमेंट के रिप्लाई में बता दूंगा आप लोगों को कितने एफपीएस मिल सकता है इन फीफा 15। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ एज यूजुअल वो दिखाऊंगा मैं ग्राफिक सेटिंग्स की कौन से सेटिंग्स में मैं फीफा 15 को खेल रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ गेम सेटिंग्स पे और ठीक है तो मैं यहाँ पर जो डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन जो ये 720p रेजोल्यूशन पे मैंने सेट किया है, फुल स्क्रीन है, रेंडरिंग क्वालिटी लो है एंड MSA जो ऑप्शन है ये ऑफ है, फ्रेम रेट को मैंने लॉक टू 60 FPS रखा है और डिसेबल विंडोज एरो थे ये अनचेक है। तो यही है इसका सेटिंग्स और ज़्यादा कुछ इसमें सेटिंग्स होता नहीं है। तो यही है इसका सेटिंग्स, हम लोग इसे 720 में लो पे टेस्ट कर रहे हैं और 60 FPS पे लॉक करके देखेंगे कि कितने FPS हमें मिलता है गेम पे। तो गाइस सीधा गेम पे हम देख लेते हैं कि कितने FPS मिलता है। आप लोग देख सकते हो मैं सीधा आ गया हूँ गेम पे और अभी कट सीन्स वगैरह चल रहा है तो मैं इसको सिंपली स्किप कर देता हूँ। ये पर अर्जेंटीना है देख सकते हो, तो अभी हम लोग गेम में 1 FPS दिखेंगे ऑब्वियसली। तो अभी हम आ गए हैं गेम पे और गाइस जो FPS हमें दे रहा है 5960 का क्योंकि मैंने लॉक टू 60 FPS किया है, 60Hz का मेरा डिस्प्ले है तो ऑब्वियसली मैं 60 FPS पे ही करूँगा। तो गाइस यहाँ पर अभी जो FPS हमें मिल रहा है वो 5659 का 60 FPS फिर से, बहुत गेम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है ऑब्वियसली। गेम जो है काफ़ी अच्छा खासा ऑप्टिमाइज है, फीफा का हर गेम ही बहुत अच्छा खासा ऑप्टिमाइज होता है। तो अभी 52 FPS देखने के लिए मिल रहा है गाइस, लॉक टू 60 FPS है बट थोड़ा FPS जो अभी मतलब जो है थोड़ा सा मतलब ड्रॉप हो रहा है कभी कभार, 60 से नीचे जा रहा है, 52, 55 वगैरह में जा रहा है। तो अभी देख सकते हो हमने बहुत अच्छा खासा एक टैकल कर दिया, आई थिंक यहाँ पे फाउल होगा मे बी नॉट, तो यहाँ पर 60 FPS देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी गेम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो वैसे आप लोग मेरे जैसा सिमिलर स्पेक्स है तो आप फीफा 15 को बहुत आराम से खेल सकते हो और गेम भी काफ़ी अच्छा है। नेमार तो वैसे ये 60 FPS और ये मिस हो गया, नेमार से फ्री किक मिस हो गया। तो वैसे अभी जो 52 का फिर से हमें FPS मिल रहा है, 46 का देखते किसे पास देते हैं हम लोग। तो वैसे अभी जो है 56 का 60 FPS फिर से, बहुत स्मूथ है गेम, आप आराम से गेम को खेल सकते हो, आराम से गेम का मज़ा ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सेव हो गया जो भी हो। तो गाइस काफ़ी अच्छा खासा गेम स्मूथ है, आप बहुत आराम से आपके लो एंड इवन आपका 4GB रैम का भी है आई थिंक उसमें भी बहुत अच्छे खासे तरीके से ये गेम चल जाएगा। FPS में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ऑब्वियसली लॉक टू 60 FPS है तो इसलिए FPS 60 के मतलब 50-60 के आसपास ही जो है FPS है, तो ज़्यादा कुछ FPS में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओह शिट, तो किसी पर 60 FPS ही मिल रहा है अभी तक, 59 का, कभी कभार जो है FPS थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है एंड दैट्स ऑब्वियसली होता है कभी कभार। तो गाइस अगर आपका मतलब ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया 4GB रैम है तो भी आप इस गेम को आराम से खेल सकते हो। तो गाइस अभी जो है 60 FPS मिल रहा है फिर से। तो गाइस अगर आपका मुझसे थोड़ा बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला PC है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा कि आप लोगों को कितने FPS मिल सकता है इन योर लैपटॉप और PC। गेम काफ़ी अच्छा है और आप लोग चाहो तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, आपके लैपटॉप या PC पे चल जाएगा। तो गाइस वीडियो आज के लिए इतना ही था, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ठीक है। तो वीडियो आज के लिए इतना ही था, अगर आप चाहो तो आपके मेरे जैसे सिमिलर स्पेक्स है तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्मूथली 60 FPS के साथ गेम को चला सकते हो। और वीडियो आज के लिए इतना ही था, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। तो गाइस मेरे दोस्तों के लिए वीडियो बताते के लिए बाय गाइस।